हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कद्दू की खट्टी मीठी मसालेदार सब्जी, जिसे बनाना बेहद आसान है। और मान लीजिए अगर आपको कद्दू खाना नहीं भी पसंद है ना, तो एक बार मेरे इस तरीके से बना के देखिए, आपको 100% अच्छी लगेगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिए है मैंने करीबन आधा किलो कद्दू या फिर पेठा, पम्पकिन, जो भी आप कहते हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको काटना कैसे। ऐसे बीच से थोड़ा काट लेंगे और ये देखिए ऐसे पीसेस पे मैं काट रही हूँ। और इसकी स्किन फ्रेंड्स आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं। अगर एकदम सॉफ्ट स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना इसको भी आप छील सकते हैं। लेकिन मैं इसके साथ ही बना रही हूँ क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है। और भंडारे वाली सब्ज़ी में ये होता है। इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काटिएगा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं रखने हैं, वरना क्या होगा, एकदम मैशी हो जाएगा और भरता सा बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं, इसको साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे प्लेट में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून राई, कुछ सूखी लाल मिर्चें, आधा से 1 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ हींग और 2 से 3 तेज पत्ता। ये सारे मसालों की तैयारी हमने कर ली। फिर कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का, 1 टीस्पून भर के मेथी दाना। तो फ्रेंड्स, मेथी दाना को सबसे पहले लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है, क्योंकि इसको पकने में 2 मिनट लग जाते हैं। एकदम डार्क जल्दी से मत कर दीजिएगा हाई फ्लेम में, वरना जो इसका टेस्ट है वो ऊपर से कड़वा हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम डाल देंगे जो मसाले हमने तैयार किए थे सारे एक साथ, और इसको भी अच्छे से भूनते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा थोड़ा टॉस करते जाएंगे। इसको पकने में सिर्फ 30 से 40 सेकंड लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मसाले पहले से इकट्ठा करके तैयार करके रख दीजिए, क्योंकि एक एक करके अगर आप डालते हैं ना यहाँ पे, तो जलने के चांसेस होते हैं। तो बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और एक बड़ा टुकड़ा मैंने लिया अदरक का, उसको भी बारीक काटा है। इसको भी अच्छे से चला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक मिर्ची का पेस्ट क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बेस तड़का तैयार हो गया। इसमें हम डाल देंगे अब कद्दू के पीसेस, और अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कद्दू के पीसेस को सबसे पहले हाई फ्लेम पे टॉस करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें बढ़िया सी कोटिंग आ जाए बेस मसालों की और तेल की। तुरंत हमको लो फ्लेम नहीं करना है, वरना इसका भरता बन जाएगा। तो नॉर्मली कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज हम इस सब्ज़ी में एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि सब्ज़ी के स्वाद को एकदम दुगना कर देगा, जो कि है मैगी मसाला है मैजिक। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से हमारी सब्ज़ी बन रही है, ना तो हमको लहसुन लगा, ना प्याज लगा, ना टमाटर, फिर भी फ्रेंड्स ये जो टेस्ट है ना, इसका बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है घर पर। तो देखिए 3 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर टॉस किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और करीबन आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स मिक्स कर लेंगे। और इस वक्त मैं इसको ढक के पकने दूंगी करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए या फिर आधे पक ना जाए। तो जब तक ये पक रहा है, चलिए पूरी का मसाला तैयार कर लेते हैं। परात में मैं ले रही हूँ 2 कप आटा, आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून कलौंजी, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून अजवाइन, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, नहीं तो गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। मिक्स मिक्स कर लेंगे इसको। और अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे, जैसे नॉर्मली आप पूरी का आटा गूंथते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि पूरी का जो आटा है ना, थोड़ा सा हार्ड लगाना है, तो इसको अच्छे से ऐसे गूंथते जाइए। यहाँ पे आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी और कोई भी फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए टाइट आटा गूंथ लिया मैंने, इसको थोड़ा सा आप सॉफ्ट कर लीजिए, सेट कर लीजिए थोड़े से तेल के साथ, आटा स्मूथ हो गया है। इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के साइड में रख देंगे। चलिए सब्जी भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप सब्जी देख सकते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगी साइड साइड से, मतलब ये आधी तो पक गई है, पूरी तरीके से नहीं पकी है। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े और मसाले। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर मैं डाल रही हूँ,
और इसमें डलता है फ्रेंड्स 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे मसाले और प्याज टमाटर नहीं डाला है, तो इन सारे मसालों की ही कोटिंग आएगी इसमें। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा गुड़ का, क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है ना हल्की सी खट्टी मीठी होती है। आप चाहे तो गुड़ का पाउडर नहीं तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट मैंने चला लिया इसको, और अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे और गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम हाई, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ये देखिए पानी कितने बढ़िया तरीके से सिजल हो रहा है, बॉईल हो रहा है, और अब इसको सब्ज़ी के साथ मिक्स करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी बढ़िया सी झोल वाली सब्ज़ी तैयार हो जाएगी और हमारी सब्ज़ी ड्राई नहीं लगेगी। और इसको फिर से कवर करके पकाएंगे 2 से 3 और मिनट के लिए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए सब्ज़ी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है पहले से। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत सारी सब्ज़ियों को काटना नहीं पड़ता है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी बिल्कुल हलवाई वाले टेस्ट के लिए, और इन सारी चीज़ों को भी मिक्स कर लें। तो हमारी कद्दू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो अब आखिर में इसमें ऐड करेंगे हमारा हीरो इंग्रेडिएंट मैगी मसाला है मैजिक। इसका टेस्ट ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब भी मैं ये मसाला ऐड करती हूँ रोज़ की सब्ज़ी, करी या फिर दाल में, तो मेरे बच्चे बहुत स्वाद से खाते हैं। क्योंकि मैगी मसाला है मैजिक में 10 भुने हुए मसालों का ब्लेंड है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आँच से उतारने से बस 2 से 3 मिनट पहले ही आपको ऐड करना है और फिर इसको मिक्स करना है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी बढ़िया सी कद्दू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसको गार्निश करेंगे फ्रेश धनिया के साथ। और फ्रेंड्स, इस वक्त जो खुशबू आ रही है मेरे घर में सब्ज़ी की, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से, कद्दू एकदम अच्छे से पक गया है और एकदम सॉफ्ट है अंदर से। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी तो एकदम रेडी हो गई। चलिए इसके साथ गर्मा गर्म मसाला पूरी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि भंडारे वाली कद्दू की सब्जी जो होती है ना, उसके साथ पूड़ियाँ बहुत मज़े की लगती है। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। आटे को थोड़ा सा फिर से नीड कर लेंगे, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ निकाल देंगे, और थोड़ा सूखा आटा डाल के इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लीजिए जैसे आपको पसंद हो। तो मैं ये साइज़ की पूरियाँ बना रही हूँ। यहाँ पे तेल मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे, और इन पूरियों को डाल के पकाते जाएंगे, ऊपर से तेल डालते जाइए। ये देखिए कितनी बढ़िया फूली बिल्कुल गुब्बारे जैसी मसाला पूरियाँ भी हमारी तैयार हो गई। इस गर्मा गर्म पूरियों को सर्व करेंगे ये हलवाई वाली सब्जी के साथ, भंडारे वाली। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार इस तरीके से बनाया ना, तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो हमारी झटपट कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियाँ रेडी हो गई है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि मैं तो अभी रोक नहीं पा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी है, एंड आई एम श्योर मेरे बच्चे अब ये कद्दू की सब्ज़ी भी बहुत मज़े से खाएंगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।